हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और अभी अभी समाहरणालय रोहतास जिले से नीलामी का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आप किसी भी जिले से हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है, तो आप लोग मौका को हाथ से ना गंवाने दें। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो इस बार नीलामी होने जा रही है रोहतास में, बहुत ही सस्ते दामों में नीलामी होने जा रही है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहे, आप लोगों को दिखाएंगे कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और कितना कितना प्राइस है, कौन से थाने में रखा गया है, सभी के सभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अनुमंडल कार्यालय 30/4/2022 को नीलामी हुई थी। इसके बाद जो शेष गाड़ी बच गई थी उसकी नीलामी फिर से 2/5/2022 को किया जाएगा, और इसके बाद भी जो शेष गाड़ी बच जाएगी उसकी नीलामी 4/5/2022 को किया जाएगा। तो आप किसी भी ज़िले से हैं, समाहरणालय रोहतास में अगर जाना चाहते हैं तो वहां पे जाकर आप आवेदन जमा करके आप अपने मनपसंद का कोई भी गाड़ी खरीद कर ला सकते हैं, चाहे आप टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर फोर व्हीलर। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं कौन कौन सी गाड़ी है, कितना कितना प्राइस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, थाना का नाम दिया गया है एक नंबर में। यहाँ पे उत्पाद विभाग में गाड़ियाँ लगी हुई है, रोहतास उत्पाद विभाग में। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे एक नंबर पे दिया गया अल्टो कार, जिसका कीमत मात्र 50,000 रुपया रखा गया है, और इसका अग्रधन की जो राशि है 10% के रूप में आपको जमा करना होगा, जिसमें आपको 5,000 रुपया पहले पैसा जमा करना होगा नीलामी में बोली लगाने के लिए। दोस्तों आपके मन में ख्याल भी आता होगा कि जो पैसा मैं जमा कर दूंगा क्या वो पैसा रिटर्न मिलेगा कि नहीं, तो आपको बिल्कुल रिटर्न मिल जाएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आइए दोस्तों आप देखते हैं, यहाँ पे एक हीरो स्प्लेंडर है जिसका कीमत मात्र 13,000 रुपया रखा गया है, और एक बजाज डिस्कवर है जिसका कीमत 8,000 रुपया रखा गया। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वाहन का निबंधन संख्या 33 संख्या, इंजन नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इससे भी आप चाहे तो गाड़ी का कौन से एयर का है, कौन से मॉडल है, वो आप इंजन के 33 नंबर से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बजाज डिस्कवर जिसका कीमत 8,000 है, फिर इसके बाद हीरो फैशन प्रो है जिसका कीमत 12,000 रुपया है, इसके बाद देख सकते हैं TVS अपाची है जिसका कीमत मात्र 15,000 रुपया रखा गया है, इसके बाद देख सकते हीरो होंडा फैशन प्रो है जिसका कीमत 12,000 रखा गया है, इसके बाद आप देख सकते हैं होंडा लियो है एक जिसका कीमत 11,000 रुपया रखा गया। और दोस्तों ये जितने भी गाड़ी का नाम जो अभी हम बताए हैं वो सभी के सभी रोहतास उत्पाद विभाग में लगी हुई है। तो आप रोहतास उत्पाद विभाग में जाए और वहाँ पे आप पहले गाड़ी को देख ले, इसके बाद ही आप आवेदन करें। अब दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिर है एक TVS अपाची जिसका कीमत मात्र 10,000 रुपया रखा गया है, इसके बाद आप देख सकते हैं एक और मोटरसाइकिल है जिसका कीमत 25,000 रखा गया है, इसके बाद देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल है 40,000 रुपया रखा गया है, इसके बाद देख सकते हैं आप एक ट्रैक्स कूजर चार पहिया है जिसका कीमत 4,00,000 रुपया रखा गया है, इसके बाद देख सकते हैं एक और कार है जिसका कीमत 1,40,000 रखा गया है, जिसमें आपको अग्रधन 14,000 रुपया जमा करना होगा नीलामी में बोली लगाने के लिए। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों एक जाइलो है, इसके बाद मोटरसाइकिल। दोस्तों अगर सभी को हम पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों का इस PDF का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और वहां से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कौन सी गाड़ी है, कितना कितना प्राइस है। दोस्तों इसमें 8-10 पेज है कुल मिलाकर, 168 गाड़ियों को अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हैं लाइव नीलामी का वीडियो, तो हमारे चैनल के प्रोफाइल में विजिट करके और भी कई सारे वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही किसी भी ज़िले में नीलामी की नोटिस जारी किया जाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों
आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।